To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स। लेकिन सबसे पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट ईच अदर और बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। ये एक्टिविटी जहाँ भी हो रही हो वो प्लेस क्या कहलाएगी? मार्केट कहलाएगी। हमारे यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि हम घर से निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई चीज़ मिल रही है तो कोने की शॉप से ले आना, वहाँ नहीं मिले तो मार्केट चले जाना। तो असल में मार्केट का ताल्लुक कोने घर की गली की कोने की शॉप से या फिर किसी ऐसे शॉपिंग मॉल से नहीं है कि जहाँ बहुत सारी मार्केट्स हों। हर वो जगह जहाँ बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है वो जगह क्या कहलाएगी? वो प्लेस मार्केट कहलाएगी। अब मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और नंबर ऑफ बायर्स हैं। जैसे एक नाम आपने बहुत सुना होगा मोनोपोली का, कि मोनोपोली स्ट्रक्चर है, इसकी अब मोनोपोली बनी हुई है, इसने अपनी मोनोपोली। तो मोनोपोली व्हाट डज दिस मीन? मोनोपोली एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को कहते हैं जहां पर प्रोड्यूसर्स की तादाद वन होती है। यानी जो प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई कर रहा है वो बेसिकली एक है, एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोडक्ट एक ही सप्लायर है उसका प्रोड्यूसर। दूसरा, मोनोपोली में एक प्रोड्यूसर। दूसरा स्ट्रक्चर आता है डुओपोली का। जब डुओपोली की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूसर हो जाते हैं कितने? दो। सिंगल प्रोड्यूसर के स्ट्रक्चर को मार्केट का हमने कहा मोनोपोली। मार्केट में दो प्रोड्यूसर्स हैं उसको डुओपोली। दो से कुछ ज़्यादा हो जाएं, जिसे बुक्स में फ्यू कहा जाता है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा लिमिट डिफाइन नहीं है लेकिन अप टू 10 तक कहा जाता है, ओलिगोपोली। ठीक है, अच्छा ये तो था स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब कुछ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स भी होते हैं। जैसे कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर सिंगल बायर एग्जिस्ट करता है, तो जब सिंगल बायर एग्जिस्ट करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है मोनोपोली। अब इसकी एग्जाम्पल्स ये, अब हम इसको डिस्कस करेंगे तो डिटेल में, फिर हम हर टॉपिक के अलग अलग एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो सिंगल, अभी स्ट्रक्चर समझ लें, सिंगल बायर मोनोपोली, दो बायर्स हो जाएं डुओपोली, कुछ हो जाएं ओलिगोपोली, और इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाए, यानी आप कह सकें मैनी प्रोड्यूसर्स, और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकें कि मैनी बायर्स। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा तो इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और अगर यही मैनी की तादाद लार्ज में हो जाए, कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो जब ये दोनों चीज़ें मीट कर जाएँ, यानी लार्ज प्रोड्यूसर हो, लार्ज बायर हो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन। तो ये तो थे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर। आई रिपीट, सिंगल प्रोड्यूसर मोनोपोली, टू प्रोड्यूसर डुओपोली, फ्यू ओलिगोपोली, सम प्रोड्यूसर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स परफेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल इस तरीके से आ जाए मोनोपोली सिंगल बायर, डुओपोली टू बायर्स, ओलिगोपोली फ्यू बायर्स, और अगर मैनी बायर्स हो जाए मैनी प्रोड्यूसर के साथ तो स्ट्रक्चर कहलाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो जाए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर के साथ तो स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या? परफेक्ट कंपटीशन। तो ये तो था आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो आई होप मार्केट स्ट्रक्चर्स, जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।